Hello, welcome to my channel Maths-O-Matic, makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 4 basic geometrical ideas exercise 4.4 concepts and tricks. Aaj hum log padhenge triangles. So what is a triangle? A triangle is a three-sided polygon. Yani ke ye ek polygon hai jisme sirf three sides hota hai. Okay, in fact, it is the polygon with the least number of sides. Yani ke ye aisa polygon hai jisme sabse kam side hota hai. Okay, to dekhiye yahan par mera ek triangle hai, ye wala. To isme kya hua? Teen line segment hai. Ek hai ye aur ek hai ye. Yani ke teen line segments ko agar hum log ek saath join kar denge तो वो बन जाएगा मेरा ट्रायंगल. अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है और ये मेरा सी है, ये तीनों मेरा पॉइंट्स है. ओके, वर्टेक्स. तो ये ट्रायंगल में कितना वर्टेक्स हुआ? थ्री वर्टेक्स हुआ. एक हो गया ए, एक हो गया बी और एक हो गया सी. तो यहाँ पे मेरा इस ट्रायंगल का साइड क्या हुआ? एक साइड हो गया मेरा ए बी, एक साइड हो गया मेरा बी सी, ये देखिए, और एक साइड हो गया मेरा सी ए, ये देखिए. तो द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर ए बी बी सी एंड सी ए. अब देखिए यहाँ पे कितना एंगल है इस ट्रायंगल में. यहाँ पे ये एक एंगल है जहां पे दो लाइन सेगमेंट मीट करता है, वैसे ही ये एक एंगल है और ये एक एंगल है. तो ये एंगल मेरा क्या हुआ? एंगल बी ए सी, ये देखिए एंगल बी ए सी. फिर देखिए ये वाला है एंगल ए बी सी, ये देखिए एंगल ए बी सी हो गया, और ये है एंगल मेरा बी सी और ए, ये देखिए एंगल मेरा बी सी ए हो गया. तो यहाँ पे क्या हुआ मेरा? एक ट्रायंगल में हो गया मेरा थ्री वर्टेक्स, थ्री साइड्स एंड थ्री एंगल्स. ओके, तो एक ट्रायंगल में मेरा तीन वर्टेक्स होता है, तीन साइड्स होता है और तीन एंगल होता है. ओके, अब देखिए ये कहता है कि ए ट्रायंगल हैज एन एक्सटीरियर एंड एन इंटीरियर. एक ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर भी होता है और इंटीरियर भी होता है. तो जो भी एरिया मेरा ट्रायंगल के भीतर में आता है वो हो जाता है मेरा उस ट्रायंगल का इंटीरियर, और जो भी एरिया ट्रायंगल के बाहर में रहता है तो वो हो जाता है मेरा उस ट्रायंगल का एक्सटीरियर. जैसे ये एक ट्रायंगल है मेरा, ट्रायंगल ए बी और सी, ये मेरा एक ट्रायंगल है. इसका इंटीरियर पार्ट कौन सा है? ये वाला, ये इसका है इंटीरियर पार्ट, भीतर का पार्ट. ओके, तो इसके इंटीरियर में मेरे पास क्या है? देखिए एक पॉइंट है ये पी. तो ये पी जो पॉइंट है वो मेरा है इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. ये देखिए पी इज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्राइंगल. यहाँ पे देखिए आर जो पॉइंट है वो मेरा बाहर है, इसलिए आर इज इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल. और यहाँ पे एक पॉइंट है क्यू जो कि मेरा ट्राइंगल के ऊपर है, ना ही बाहर है ना ही भीतर है. ठीक है, ये ट्राइंगल के ऊपर है तो इसलिए मेरा क्यू पॉइंट क्या हो गया? क्यू ऑन द ट्राइंगल. क्यू जो है वो ट्राइंगल के ऊपर है, इसलिए क्यू ऑन द ट्राइंगल. यहाँ पे देखिए मैंने समझाया है, ये है मेरा ट्राइंगल्स, इट इज ए थ्री साइडेड पॉलीगन. ओके, तो ये एक पॉलीगन है जिसका सिर्फ तीन साइड होता है विथ थ्री एंगल्स. तो इसका तीन एंगल भी होता है और तीन वर्टेक्स भी होता है. ओके, थ्री साइड्स आर ए बी बी सी सी ए. तो ये पहला साइड हो गया ए बी, दूसरा हो गया मेरा बी सी और तीसरा हो गया मेरा सी ए. तीन साइड हो गया. थ्री एंगल्स आर एंगल बी ए सी, ये एंगल हो गया बी ए सी, ये एंगल हो गया ए बी सी और ये एंगल हो गया मेरा ए सी बी. ये वाला वर्टेक्स देखिए क्या है मेरा, वर्टेक्स आर ए बी सी. तो ए हो गया मेरा वर्टेक्स, बी हो गया मेरा वर्टेक्स और सी हो गया मेरा वर्टेक्स. ओके, पॉइंट पी इज इन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. जो पॉइंट पी है वो इस ट्राइंगल के भीतर में है, इसलिए मेरा पॉइंट पी जो है वो इंटीरियर में हो गया. वैसे ही मेरा पॉइंट आर इज इन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी,
पॉइंट आर जो है वो मेरा ट्राइंगल के बाहर है, इसलिए पॉइंट आर जो है वो एक्सटीरियर में हो गया, और पॉइंट क्यू इज ऑन दी एबीसी ट्राइंगल, और जो पॉइंट क्यू है वो मेरा ट्राइंगल के ऊपर है, इसलिए ये मेरा हो गया ऑन दी ट्राइंगल एबीसी। थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट न्यू वीडियो अपडेट्स।